वेलकम टू तिलक एकेडमी। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तिलक एकेडमी में। आज हम लोग बात करेंगे हमारे परसेंटेज के पार्ट नंबर 3 की, और मोस्टली आज जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वो आय और व्यय पे आधारित क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो जितने भी इनकम और एक्सपेंडिचर पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उन सबका कलेक्शन आज हम देखेंगे कि कैसे हम उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक ही टाइप के मैंने सारे क्वेश्चन ले जाने की बजाय, इस वीडियो में सम्मिलित करने की बजाय, मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन लिए हैं जो इनकम और एक्सपेंडिचर पे आए हैं। जितने भी टाइप आपसे मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं अभी तक की एग्जाम जितनी भी हुई है, वो सभी इस पार्ट में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पहले हमको कुछ दो कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। पहले तो हमको आय और व्यय का कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा क्या है, उसके बाद हम क्वेश्चन को लेकर प्रैक्टिस करेंगे। हमारा तरीका वही रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के वीडियो की। देखिए, सबसे पहले दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। लेट सपोज एक बंदा है जो सपोज कीजिए 150 रुपीस, 150 रुपए उसके पास में है। ठीक है, एक आदमी के पास क्या है, 150 रुपए। ठीक है, अब मैं अगर बोलूं कि इन 150 रुपए में 20% की वृद्धि हो गई, 20% इंक्रीज हो गया। और पैसा, दो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इंक्रीज और डिक्रीज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज से, फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट से। अगर मैं किसी राशि में देखूँ या फिर किसी भी गणित की वैल्यू में देखूँ तो उसमें इंक्रीज बढ़ना, प्रतिशत के रूप में बढ़ना, और परसेंटेज के रूप में कम होना कैसे निकाला जाता है फ्रैक्शन से, पहले वो सीखेंगे, उसके बाद उसका एप्लीकेशन लगा के आय और व्यय वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मैंने बोला दो चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि एक राशि है 150 रुपए की, उसमें 20% की वृद्धि हो गई यानी कि इंक्रीज हो गया, या फिर एक चीज़ और हो सकती है कि एक राशि है 50 रुपए की, उस 150 रुपए की, उसमें 20% की कमी हो गई। मैं 20% लेके बता रहा हूँ, इसकी जगह 20% की जगह कुछ भी हो सकता है, 25 हो सकता है, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, 40 हो सकता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम इंक्रीज देखेंगे, इंक्रीज कैसे निकालेंगे। अब मुझे बहुत ध्यान से यहाँ पे देखिएगा कि 20% का मतलब क्या होता है वो देखेंगे आप। तो 20% का मतलब होता है 1/5। अगर मैं 20% का फ्रैक्शन निकालूं, ये 20% है और इसका अगर फ्रैक्शन निकालूं तो कितना होगा, 1/5। आप बोलेंगे कैसे, तो 20 को सेम रखेंगे, परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, 20 से 5 बार में कट जाएगा और मुझे 1/5 मिल जाएगा। ठीक है, अब बोला अभी मुझे क्या करना है, 150 रुपये को 20% बढ़ाना है। ठीक है, अगर मुझे 20% बढ़ाना है तो मैं कैसे बढ़ाऊंगा, 20% मुझे क्या करना है, बढ़ाना है, तो मैं कैसे बढ़ाऊंगा। आप देखिए 20% का मतलब क्या होता है, 5, ये जो है 5, 5 पे 1 मिलना, 20% का मतलब 1/5, इसका मतलब 5 पे 1 मिलना। मतलब कोई राशि अगर 5 से 6 हो जाए, 5 पे 1 मिलेगा तो क्या होगा, 5 पे 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 से 6 हो जाएगी। तो कोई राशि अगर 5 से 6 हो जाए तो मैं ये बोलूंगा कि वो 20% बढ़ गई। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, अगर इसको 20% मुझे बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा, इसको 5 से 6 कर, 5 पे 1 बढ़ा दूंगा, तो 5 पे 1 बढ़ाऊंगा तो कितना आएगा, 6, 5 में 1 जोड़ूंगा तो कितना होगा, 6, और नीचे तो 5 ही है, तो 6/5 में किसी भी चीज़ का निकाल लूंगा। जैसे 150 को 20% बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा, 150 का 6/5 निकाल लूंगा। जैसे अगर मैं 6/5 निकालता हूं तो ये 20% बढ़ गया, क्यों, क्योंकि मैंने 5 पे 1 बढ़ा दिया तो 6/5 आ गया। ठीक है, अगर मुझे वैसा का वैसे ही रखना होता, सपोज करो देखो 150 रुपए, अगर मुझे इसको कोई छेड़ना नहीं होता, वैसा का वैसे ही रखना होता, तो मैं क्या कर सकता था, इसका 5/5 कर सकता था। 5/5 का मतलब क्या हुआ, ये कट के 1 हो जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं बढ़ाया, कुछ भी नहीं घटाया, वैसी की वैसी है। लेकिन अगर मुझे बढ़ाना है तो ये ऊपर वाली क्वांटिटी कुछ बड़ी होनी चाहिए, तभी तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा आएगा, बढ़ाने का मतलब ज़्यादा करना है। तो कितना ज़्यादा होना चाहिए, तो 5/1 ज़्यादा होना चाहिए यानी कि 6/5। ठीक है, अगर मुझे इसकी जगह, बहुत ध्यान से पहले समझ लो, चीज़ें अंदर उतर जाएगी, उसके बाद बहुत आसानी से आ जाएगा। अगर मुझे इसकी जगह 20% की जगह 40% बढ़ाना होता, लेट सपोज 40% मुझे 150 को बढ़ाना, मुझे क्या करना है, 150 को 40% बढ़ाना है, तो मैं कैसे बढ़ाऊंगा, मैं 150 लिखूंगा और मैं जानता हूं अंदर ही कि 40% का मतलब 2/5 होता है, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 5/2 बढ़ाना है, तो 5/2 बढ़ने का मतलब 5/2 बढ़ाओ 7 हो जाता है, तो मैं क्या करूंगा, नीचे वाले को तो हमेशा सेम रखना है, यानी कि इसका 7/5 निकालूंगा। तो जैसे ही मैंने इसका 7/5 निकाला, मुझे क्या निकल, मेरे पास में जो वैल्यू आई है वो 40% बढ़ी हुई है 150 से। आई होप बात समझ में आ गई होगी, ये तो बढ़ाने का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब इसको कम करने का कॉन्सेप्ट देखते हैं, ये बढ़ाने का हो गया, अब इसको कम करने का कॉन्सेप्ट देखते हैं, कम कैसे किया जाता है वो देखते हैं। तो कम करने के लिए क्या करेंगे, देखो अगर मुझे इसको 20% कम करना है तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5,
कम करना है तो 5 पे 1 कम होगा, 5 पे 1 कम होगा तो कितना बनना, 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4/5 निकाल लेंगे, यानी कि 150 को अगर 20% कम करना है तो मैं क्या करूँगा, 150 का 4/5 निकाल लूँगा, तो ये 120% कम हो गया। ठीक है, अगर मैं मुझे 150 को 40% कम करना है तो 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। अब आप बोलोगे ये कैसे आया 2/5, तो मैंने आपको बताया था कि 40 और परसेंट का मतलब कितना होता है 1/100। तो अगर मैं इसको काटूंगा तो ये 2 बार में और ये 5 बार में कट जाएगा और 2/5 बनेगा। ये पहले सिखा चुका हूँ, पहले लेक्चर से आपको देखना है 100%, कहीं गणित में कोई हाथ नहीं रोक सकता आपका। ठीक है, तो ये हो गया, ये क्लियर हो गया। तो ये 40% बढ़ गया 150। अगर मुझे 150 को 40% कम करना है तो मैं कम कैसे करूँगा, 40% का मतलब होता है 2/5, तो मुझे क्या करना है, 5/2 कम करना है। तो अगर मैं 5/2 कम करूँगा तो कितना बचेगा, 3। 5 में से 2 कम करो कितना बचेगा, 3। तो जो भी वैल्यू उसका मैं क्या करूँगा, सीधे 3/5 निकालूँगा, क्योंकि नीचे वाला तो सेम ही रहता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे मत बढ़ना, पहले वीडियो को रिवाइंड करना, पूरी तरीके से वापस से समझना, फिर ही आगे बढ़ना। ठीक है, बड़ी आसानी से पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आय और व्यय का कॉन्सेप्ट, ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, देखिए अब इनकम और एक्सपेंडिचर पे जो क्वेश्चन आते हैं उसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो इनकम होती है, इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, मतलब जो भी आय होती है वो आय का अगर मैं फॉर्मूला बनाऊँ तो आय बराबर हमेशा क्या होगा, व्यय प्लस बचत। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कुछ कमाते हैं तो उसमें से खर्चा करते हैं और बचाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं करते हैं। ठीक है, ये दो ही चीज़ हो सकती है, या तो खर्च करोगे या फिर बचाओगे। तो अगर खर्चे को और बचत को जोड़ दें तो आपकी टोटल इनकम निकल जाएगी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी इनकम होती है वो व्यय प्लस एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है, यानी कि व्यय प्लस बचत होती है। अब थोड़ा सा बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना, मैं ये बोल रहा हूँ, लेट सपोज मैं ये बोल रहा हूँ कि एक बंदा है वो 8,000 रुपये कमाता है। ठीक है, एक बंदा है उसकी इनकम 8,000 है, आपकी इच्छा हो तो 80 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक बंदा है वो 8,000 कमाता है, अब आपसे क्या बोला है, मैं समझा रहा हूँ सिर्फ कि करना कैसे सॉल्व, फिर क्वेश्चन देखेंगे आराम से, बहुत आराम से बन जाएंगे। तो एक बंदा है वो क्या कर रहा है, 8,000 रुपये कमा रहा है और सामने वाला बोल रहा है कि इसमें से वो 70% खर्च कर देता है। सीधे उसने बोला कि वो 70% क्या करता है, खर्च कर देता है। 70% खर्च करने का मतलब वो क्या कर देता है, एक्सपेंड कर, वो एक्सपेंडिचर उसका 70%। तो आप सीधे से समझ जाना, यहाँ से आपको एक चीज़ समझना है कि अपने आप में जो भी चीज़ होती है वो 100% होती है। ठीक है, मतलब उसकी जो आय होगी वो अपने आप में 100% है। ठीक है, अगर इसने 70% ख़त्म कर दिया इसमें से, तो आप क्या समझेंगे यहाँ से कि उसके पास बचा कितना है, 30%। तो वो सिंपल सी बात है, बचाएगा कितना, 30%। तो ये इसकी टोटल इनकम हो गई। इनकम को हमेशा तो इनकम को हमेशा 100% मान लेना है, 70% ख़त्म हो रहा है यानी कि ये खर्च है। ठीक है, तो ये खर्च इसमें से हटा दिया तो क्या बचेगा, सेविंग यानी कि बचत आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो आप इसको कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, अगर 70% ख़त्म कर रहा है तो 30% बचा रहा है, वो अपने को देखना है क्या कैसे क्या करना है। ठीक है, अब एक दो चीज़ें ये आपने देख ली, ये कॉन्सेप्ट था। अब मैं देखता हूँ आय और व्यय पे जो प्रश्न आते हैं वो के कैसे आते हैं। ठीक है, दो प्रकार के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका बहुत ध्यान रखना है। एक में आपको शेष लगा के देगा और एक में शेष लगा के नहीं देगा, दोनों को सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। एग्जाम में वहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हैं कब किसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो बहुत आराम से और बहुत अच्छे से देखना, देखने के बाद क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अब दो टाइप देखते हैं, उन दो टाइप को भी सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं, मैं दोनों आपको बता दूंगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, जो लगता है उससे करना है। ठीक है, दोनों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। पहले पहला तरीका देखते हैं जो कि फ्रैक्शन वाला है, हमने अभी सीखा था। ठीक है, पहले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन ये आएगा कि एक कोई पर्सन है वो 10,000 रुपये कमाता है, 20% वो पेट्रोल पे खर्च कर देता है, 25% वो कपड़ों पे खर्च कर देता है और जो 40% है उसकी पूरी इनकम का वो घर में खर्च कर देता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि उसकी सेविंग कितनी है। तो यहाँ पे कहीं भी शेष आपके पास में नहीं लिखा हुआ है, शेष का मतलब यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि शेष का 10% इस पे खर्च कर देता है, शेष का 10% इस पे खर्च कर देता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, मतलब रिमेनिंग कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब रिमेनिंग नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 20% पेट्रोल पे, 25% कपड़ों पे और 40% घर पे खर्च कर रहा है। यानी कि यहाँ देखो 20% तो उसने पेट्रोल के दे दिए, प्लस 25% उसने कपड़ों पे दे दिए और फिर एक और क्या बचा, 40%। तो 40% उसने क्या किया, घर में खर्च कर दिया। तो टोटल आप देख लो उसका खर्च कितने परसेंट हो गया, 20% ये हो गया, 25% ये हो गया और 40 ये हो गया। तो 40 और 40, 85, 85, 85% वो खर्च कर चुका है। अगर इन सबको जोड़ेंगे तो 85% आएगा और 85% उसका क्या है, खर्च है।
मैंने आपको बताया टोटल सेविंग क्या होती, टोटल इनकम क्या होती है, 100% होती है। तो अगर 100 में से उसने क्या किया, जो 100% उसके पास मिला था, उसके पास में जो पैसा उसको मिला था 10,000 रुपया, ये 100% था, और इसमें से उसने क्या किया 85% तो भाई ने ख़त्म कर दिया। ठीक है, अगर 85% ख़त्म कर दिया तो बचा कितना 15%। आई बात समझ में? तो आपको कुछ नहीं करना, 15% ही उसकी क्या है, सेविंग है। क्या है उसकी? 15% सेविंग है। अब 15% किसकी सेविंग किसकी है, 15% इस बंदे की, तो किस में से सेव करेगा, जितने में से कमाता है, तो टोटल का 15% सेविंग है, तो टोटल कितना कमाता था, 10,000 रुपये कमाता था। तो अगर टोटल 10,000 रुपये कमाता था तो इसका 15% कैसे निकालेंगे, 1% निकाल, 10% निकालने के लिए मैंने बताया था 10 कम करने का, अगर 1% निकालना है तो 20 कम कर दो, तो 1% कितना हो गया 100, 1% कितना हो गया 100 हो गया, तो 15% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1500। ठीक है, तो सीधे आंसर कितना जाएगा 1500। अदरवाइज आप इसका 15% निकाल सकते हैं, 15 का मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दीजिए, 20 से 20 कट जाएगी और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1500। दोनों ही तरीके बेस्ट हैं, दोनों ही मैं सिखा चुका हूँ, ठीक है, आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे टाइप पे चलते हैं। दूसरा टाइप क्या है? दूसरे टाइप पे हमेशा ध्यान रखिएगा, आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से बोलेगा कि शेष का खर्च करता है। जैसे राहुल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पे खर्च करता है। ठीक है, एक राहुल पर्सन है, वो जितना कमाता है पर मंथ उससे 30% वो क्या कर देता है, खाने पे खत्म कर देता है। फिर लिखा हुआ है देखो शेष का, रिमेनिंग जो बचता है उसका, शेष का जो भी उसके पास फिर बचता है 30% खर्च करने के बाद जो बचता है, उसमें से 40% वो परिवहन पे खर्च कर देता है। ठीक है, उसके बाद जो बचता है उसमें से 50% वो क्या कर लेता है, बैंक में जमा कर लेता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि अगर वो टोटल कितना कमाता है, 18,400 रुपये कमाता है, तो उसकी प्रति माह बचत कितनी है, उसकी सेविंग कितनी। बात समझ में आई? तो इसमें क्या हो रहा है, पहले खर्चा कर रहा है, फिर जो पैसा बचा उसमें से वापस उतने परसेंट खर्च कर रहा है। जैसे सपोज करो मेरे पास में 100 रुपये थे, मैंने 20% खर्च कर दिए, कितना बचा 80 बचा। अब मैं वापस से 20% ख़त्म कर रहा हूँ, तो 80 का 20% और ख़त्म करूँगा। ठीक है, 80 का जो बचा हुआ उससे, ठीक है, क्लियर होगा। तो इसको करने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले आप देख लो 18,400 रुपये है, दिख रहा है? हाँ, ठीक है, यहाँ 18,400 रुपये है, अब ये पूरा अमाउंट है, अब इससे ख़त्म करते जाना, हमको खर्च करते जाना है। तो देखिए खर्च कैसे करेंगे, 30% भोजन पे खर्च करता है, तो आप मुझे ये बताइए, अगर मैं 100 में, ये मैं फ्रैक्शन से भी डायरेक्ट कर सकता हूँ और ऐसे परसेंट से भी कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए मैं पहले परसेंटेज से बता देता हूँ, ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, है ना, फिर फ्रैक्शन से बताऊँगा। तो 18,400 रुपये उसकी टोटल इनकम है, वो बोल रहा है 30% भोजन पे ख़त्म करता है, तो अगर 30% भोजन पे ख़त्म करता है तो बचेगा कितना, मुझे उसकी डायरेक्ट बचत निकालना है। ठीक है, तो बचत निकालना, तो मैं सीधे बचत ही निकालूँ, पहले खर्चा निकाल के फिर घटाने का क्या मतलब है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को आसान कैसे करते हैं वो सीखिए। तो 18,400 रुपये कमाता है, 30% ख़त्म करता है भोजन पे, तो अगर 30% ख़त्म कर दिया तो 100 में से, टोटल 100% था, 100 में से अगर 30 गया तो कितना बचा 70%, तो बचा कितना उसके पास, पहले 30% ख़त्म करने पे 70% बचा, तो 70% कैसे निकालते, 70/100। ठीक है, ये हो गया। अब 70% बचा मतलब ये वाली चीज़ उसके पास बची, ये बची है मतलब ये शेष है। ठीक है, तो ये आपने लाइन पढ़ी शेष, तो ये शेष आ गया। अब शेष का 40% परिवहन पे खर्च कर देता है, तो फिर 40% परिवहन पे खर्चा कर रहा है ना, तो 40% खर्च करेगा तो 100 में से 40 गया, बचाएगा कितना 60% बचाएगा, तो इसका फिर 60% निकाल लीजिए तो 60/100, ये उसकी बचत। फिर शेष, शेष मतलब अब ये पूरा शेष हो गया, अभी उसके पास इतना पैसा बचा है, अब इसमें से क्या कर रहा है वो 50% जो है वो बचा लेता है, तो 50% बचा लेता है मतलब बैंक में जमा कर देता है 50%, तो 50% इसमें से, और तो 50% अगर बचेगा तो वापस से 100 में से 50 घटाइए, कितना बचेगा 50 ही बचेगा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 50/100। तो ये जो भी आप इसको करने के बाद, इसको हल करने, सॉल्व करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वो अल्टीमेटली उसकी क्या होगी, पर मंथ की सेविंग होगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, मैंने सिर्फ शेष के लिए आपको बताया था, ये हटा देता हूँ। अब देखिए ये 20 से ये 20 कट कर देते हैं, ये 20 से ये 20 कट कर देते हैं, और इस 0 से ये 0 कट कर देते हैं, 5 से ये 2 बार में काट देते हैं। ठीक है, दिख रहा है? ठीक है, अब इस 2 से ये 3 बार में काट देते हैं, और मैं ये पाऊंगा कि यहाँ पे मिलेगा 184 × 21। ठीक है, तो जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे वैल्यू मिलने वाली है, यहाँ अपने को वैल्यू मिलेगी कितनी, 3864, और यही मेरा क्या है आंसर। ठीक है, ये मेरा क्या है आंसर। थोड़ा सा टाइम लग जाए भले ही, लेकिन आपको सीखना है सही से। ठीक है, अगर आप सीख नहीं पाएंगे तो एग्ज़ाम में बहुत जल्दी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर।
अब इसी को अगर मुझे फ्रैक्शन से करना होता तो और आसान चीज़ हो जाती। देखिए कैसे, इसको फ्रैक्शन से भी बता देता हूँ, है ना। अब देखिए इसको फ्रैक्शन से कैसे करेंगे हम लोग। फ्रैक्शन से करने के लिए क्या करना है, हमको पता है 18,400 रुपये वो भाई पूरा कमाता है, तो ये तो उसकी इनकम होगी, ठीक है। अब क्या बोला है, 30% ख़त्म कर रहा है, 30% खर्च कर रहा है, तो 30% कम करना है। खर्चा करने का मतलब क्या होता है, 30% आपकी जेब से गया, जाने का मतलब क्या हो रहा है, कम होना। और कम होना मैंने बताया था अभी आपको, फ्रैक्शन से कम कैसे करते हैं, तो 30% का मतलब होता है 3/10, और 30% की कमी हो रही है तो कमी का मतलब होता है 10/3 कम हो जाना। तो 10/3 कम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, 7/10 निकाल लेंगे इसका, क्योंकि 10/3 कम करके, बात समझ में आई। अब जो भी 30% की कमी हो गई तो अब उसके पास ये बचा, ये शेष है, फिर शेष का 40% और उड़ा दिया। 40% उड़ाने का मतलब 5/2 उड़ाना, तो 5/2 कम कर दिया, मतलब कितना बचा, 3/5, तो यहाँ 3/5 कर देंगे। अब उसके पास ओवरऑल शेष ये बचा, ठीक है। अब उसने आगे क्या बोला है, फिर 50% कट हो गया, 50% फिर सेविंग कर दिया उसने, तो फिर कट हो गया। तो 50% कम का मतलब क्या होता है, 2/1 कम होना, तो 2/1 जब एक कम होगा तो भी क्या बचेगा, 1/2 ही बनेगा, क्योंकि 2 में से 1 कम करोगे तो 1 बचेगा, उसको ऊपर लिखेंगे और 2 नीचे का नीचे रहेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये बना, इसका मतलब ये होगा कि 18,400 × 7/10 × 3/5 × 1/2। अगर आप फ्रैक्शन से करेंगे तो आपको कैलकुलेशन में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे एक लाइन में आंसर आ जाएगा। इस 0 से ये 0 काट दो, ये 5 × 2 10 हो गया, तो ये 10 से ये 0 भी कट गई, ये देखो ये 21 आ गया और ये 184 आ गया। 184 में 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी वापस, 3864, ठीक है, ये आंसर। तो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, इसके अलावा आय और व्यय का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने ऐसा कम क्यों करा, कम इसके लिए करा मेरे दोस्त क्योंकि आपको सीधे बचत निकालनी थी, ठीक है, समझ आ रही है ना बात। अगर आप खर्च निकालते, 30% खर्चा निकालते, फिर शेष का इतना वो करते, तो बहुत उल्टा उल्टा करने का जरूरत नहीं है। जितना पूछा है उसने, अगर आपको बचत पूछी है प्रतिमा, तो सीधे आप बचत पे काम करो, ठीक है, उसमें खर्च निकालने की फिर आपको जरूरत नहीं है। तो ऐसे करके आपको दिमाग लगा के थोड़ा सा क्वेश्चन को करना है, लंबे नहीं ले जाना है, जितना छोटा हो सके उतना छोटा करना है। तो यही चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ सारी चीज़ों में। ये वीडियो थोड़ा सा मेरे इंट्रोडक्टरी पार्ट था, है ना, अगर मैं और इसमें क्वेश्चन डालता हूँ तो थोड़ा सा लेंथ इसका लंबा हो जाएगा। तो ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा इसमें इसकी प्रैक्टिस देख लेंगे, ठीक है। आप चिंता मत कीजिएगा, परसेंटेज में बहुत अच्छे से करवाने वाला हूँ, क्योंकि इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। अगर आप एग्ज़ाम में वेटेज देंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन तो इसके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, ठीक है। आप बोलोगे 1-2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन नहीं, लाभ हानि से भी क्वेश्चन आते हैं, अनुपात समानुपात से भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो सारे भी परसेंटेज के एप्लीकेशन पे ही बेस्ड है, ठीक है। परसेंटेज आता है तो उनको भी बना सकते हैं, मतलब 5-6 क्वेश्चन तक भी परसेंटेज ले जाता है। तो इसको बहुत अच्छे से करना, सारी जगह एप्लीकेशन है, बिल्कुल भी मिस मत करना इसको, ठीक है, अदरवाइज आगे समझने में दिक्कत आएगी। चलिए ठीक है, अगले लेक्चर में इस पर्टिकुलर आय और व्यय वाले उस पे हम क्वेश्चंस देखेंगे जो पुरानी एग्जाम में आए हुए हैं, और कैसे हम उसको आसानी से बना सकते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।